नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चलनिष्ठ राजन और एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं पलटूपुर गांव में। और ये घर है, तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये घर है पलटूपुर के सुपरस्टार सुर्खियों में बने रहने वाले अजीत लाल यादव निरहू भैया का। और देखिए यहाँ पे प्रमोद जी हैं और निरहू भैया हैं और निरहू भैया के दोनों बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे जो कि खेल रहे हैं। एक देखिए किस तरह से दोनों ये होनहार हैं जो कि भविष्य के ये निरहू हैं, और ईश्वर करे कि ये इनसे भी ज़्यादा जो है नाम रोशन करें गायकी के क्षेत्र में। और हम यहाँ पहुँचे हैं तो देखिए इनकी आर्थिक स्थिति सबसे पहले आपको दिखाएं, देखिए किस तरह से ये जो है इस मकान में रहने को मजबूर हैं। आज भी जो है कि आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय है, हालांकि अब ये सोशल मीडिया में छा गए हैं, वायरल हो गए हैं 5 किलो राशन गाने को लेकर के। उसके बाद जो इन्होंने सुर्खियाँ बटोरी लगातार, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। आज इनका खुद का एक YouTube चैनल बन गया है निरहुआ पलटूपुर वाला, तो वो चैनल भी इनका चल रहा है। बहुत जल्दी ईश्वर करेंगे तो वो मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। तो हमने भी इनकी खबर को लगाया था और कुछ गूगल महाराज से कृपा हुई तो उसको लेकर के हम इनको देने पहुँचे हैं, कुछ मदद करने पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हम इनको करेंगे। और सबसे पहले हम निरहू भैया को कुछ मदद करेंगे। भैया बहुत ज़्यादा तो ना बा लेकिन एक ही आप रखें और पैर ना छुएं, ये बस आपके कला का थोड़ा सा सम्मान बा। तो देखिए ये कुछ हमने जो है मदद की, हमने नहीं की, ये आप लोगों ने मदद की है। आप लोगों ने इनके वीडियो को सराहा, इनके वीडियो को आप लोगों ने देखा और उससे जो कुछ हमें आमदनी हुई उसमें से कुछ हिस्सा हम लेके निरहू भैया के पास आए, इन तक पहुंचाया। तो ये आप लोगों की तरफ से योगदान जो है हमने यहाँ तक पहुँचाया है, इसमें मेरा कोई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप मदद कर रहे हैं तो वीडियो भी बना रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से मदद नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों की मदद है। आप लोग ना इनके वीडियो को देखते, ना शेयर करते, ना इनको पॉपुलर करते, ना गूगल से पैसा आता और ना इन तक पहुँचता। तो अब अगर इनका हिस्सा था हम रख लेते तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने यहाँ तक पहुँचाया। निरहू भैया क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? दर्शकों ने आप बहुत प्यार दिया भैया, सब भैया से आशीर्वाद का उठा बा, हमने के आशा ना पूर्व विश्वास बा, बड़का भैया लोग का हमें ऐसे आशीर्वाद प्यार दुलार मिलत बा भैया आप लोग के चैनल से बड़े भैया लोग, और हमने के पूरा दिल एकदम खुश बा बड़े बाबू। ये प्रमोद भैया लेके आए थे आप, क्या हमारे बड़े भैया ये तो महान हुए, हाँ छोट भाई के भैया हमार ध्यान रखा थे, इतना हमने के पूरा आशा हो। प्रमोद जी क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि भगवान सबका भला करे, जैसे आज निरहुआ जी वायरल हुई है, कौन जानता था, मैं भी नहीं जानता था कि मैं निरहू का इंटरव्यू लूँगा तो पूरा देश इनको जानने लगेगा। आज खुशी होती है कि हमने जिनका इंटरव्यू लिया आज वो पूरे देश में वायरल हैं, और आप जैसे भगवान कहें कि आप इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, एक ने नहीं हजार लोगों ने वीडियो बनाया, कई लोगों ने ऑफर दे के गए कि आप हमारे साथ काम कीजिए मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन निरहू जी बड़े कष्टदायक होके बताते थे कि यार पैसों ना दिए ना यार, हमार कमो करवा लिए पैसों ना दिए, हमको भी तकलीफ होती थी कि मतलब कैसे कैसे इस देश में इंसान रहते हैं, मतलब क्या मानवता के नाम पे क्या कर रहे हैं यार, किसी का हक छीन कर आप कहाँ जाओगे, क्या करना चाहते हो, अरे 10-20 हज़ार 50 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार आप कौन सी महल खड़ी कर लोगे। भैया सही कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया था, आए नहीं? बिल्कुल दिए थे बड़े भैया लोग, लेकिन क्या करवा भैया, जो कह के चला गया तो झगड़ा तो थोड़ा हम करे, जब ना तू हमें कह के गया कहे ना दी है। सही बात है, तो देखिए प्रमोद जी इनका हक था, इन्होंने मेहनत किया, इनका हक था और ये हम आए हैं तो हम ये जो हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि आपको कुछ इनकम होगी तो आप जरूर निरहू भैया तक पहुंचाइएगा, और हमारा भी कर्तव्य था तो हम यहाँ तक आए हैं, और भविष्य में और अगर बेहतर होगा तो हम जरूर आएंगे। निरहू भैया अपने दर्शकों के लिए अपने अंदाज में गाय के कुछ का सुनावे चाहूँ। बड़े भैया तो जानते हुए कि भैया लोग हमारे सब महान हुए, हाँ सब हमार भगवान हैं, देवता हुए, हमने के आशा ना पूरा विश्वास बा तो यही कहल गईल बा, और कि भगवान लिहा खबरिया और राखो जिन कसरिया हो, कि भगवान लिहा खबरिया और राखो जिन कसरिया हो, नवरिया तुहके खेवई के परी, कि भगवान लिहा परिचा राख जिनका सारिया हो, नवरिया तो का खेवई के परी। ये कहे चल भैया भगवान का आशा बा,
और आप लोग का बड़का भैया आता हुए और कर तब तब भैया अपन लोग तो हम करते भाई तब बिल्कुल होत बा बहन के भौजी बाटी मड़ेवा में भौजी तई से आई जाए गवा अगर आप आई जाती तो बहुत अच्छा रहत थोड़ा सा आई जाए हरिया भौजी की शिकायत बा कि ब्यूटी जी आवे नी गोरखपुर वाली का करे बार बार बुलावे ये भैया हो कि जेके जब जो काम की आवश्यकता बाटे तो अबई करे का हमरे बुलाए से आते बताओ हमें कई दाई बुलाए हम पहुँचे न पाए इनके छोड़ के लेकिन वो तो छोड़ के अपन चली जावली खंडन जाए के इंतजार कर कबो भौजियों को इंतजार कर जाए अरे मोर भैया ऐसा जीन का बार बड़ा सवेरे से बिना खेले पियले नहीं रहूं मड़िया हूं इंतजार कर अब जे हमारे उठा पे बड़का भैया सवेरे के निकला बा तो हमें तो आशा होई के बना कि भैया के आवत आटे तो उनके हमें ले आए के आवे के बाटे अब कितने दूर से आए हैं उनके ऊपर का गुजरा था का ना आएगा कई दिन रही नहीं आओ ओ भैया पहला दिन आए रही तो मछली शहर में जो शूटिंग रहा तो तीन दिन एक दिन प्रोग्राम में रहा तीन दिन रही एक दिन आए रहे दो दिन पाँच दिन रही पाँच दिन महाभारत हो गए महाभारत हो गए का हो गए का अरे भैया का कहीं पूछ ले बाहर ने उतर ना ही सर चल भैया अब जनता ही बाबन करना अब मेहरारू के कितना हम समझाई भाई लेकिन तब कहे तो भैया बहुत मनौती कहले रहे भोलेनाथ के दरबार में 11 साल लगातार गए जान लिया कि कांवर लेके तब तो हम पाए हैं इनके भाई क्या बात है तब भौजी देखा नाराज मत हुई है बड़ी तपस्या कैले बाटन अच्छा आपके दुठ लड़का बाटन का सोचले बाटा आगे बन चढ़ के लड़कन के का बनावे का इरादा बा का सोचले बाटा हम तो कहे मान ला हम तो नाचत गावे वाला आदमी हो गए है तो भैया लोग ये लोग रच के पढ़ लिख लेते हैं तो कुछ और आगे का काम आगे बढ़त भैया लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद बाटे हम उस बीच ये लोग निकले ही नहीं नाम तो रोशन करें जौन हो तुहार तो जौन हो यह मऊ चाहब कि भाई आगे बढ़े लेकिन पढ़ाया लिखाया लड़कन के अच्छे से एकदम पढ़ावा विद्या बहुत कोशिश करी थे भैया और पढ़ाइए सब जो उनका सब सरकारी वाले में नाम लिखाए है और जात हैं बराबर पढ़ाई करे ये बात ना हो अच्छा ये बतावा चैनलवा तुहार कैसा चलत बा भैया चैनल ठीक चलत हो चैनल ठीक चला तो भैया लेकिन वह कुछ ऐसा कुछ गड़बड़े होगी देखा अब चैनल के बारे में जानकारी ना आई खाली अपन हम वीडियो बनावत है कॉमेडी बनावत है गाना जहाँ स्टूडियो में गावत है वो मांग के हम वो चैनल पे डालत है हाँ और दूसरे से डलवाई थे हमारे डाले तो हो रही ना भैया का बताए कॉमेडी उमेडी तो आजकल खूब करत बाटा एकदम लगातार हाँ कॉमेडी भैया हम सोची था कि एक रोज हम छोड़त रही भैया लोग हमारे देखे आशीर्वाद दें प्यार दुलार दें ओझा भी बन जाला ओझा तो आर लोग का आशीर्वाद बताओ तू तो गाना उना गावत रहा कहाँ कॉमेडी वेडी इतना बढ़िया बड़का भैया हम जवन चीज हम चाहे थे वो जो है सरस्वती माई के देन है कि वो पूरा होबे करे थे हम इना सोच रहे कि नहीं कि चीज ये हम कह ले सफल हो जाए लेकिन भैया सफल हो जाए कबो सोचे रहे सपना में की यह तरह से हाईलाइट होबा लोग जनी है गनो जब गौला 5 किलो राशन तबो ना सोचले रहा लोग कबो ना भाई बा सपना पूरा होत बात का कहे ना सपना जरूर पूरा होत भैया सपना हमार पूरा होत बाटे और हमने के पूरा विश्वास बा बड़े भैया हो कि सपना पूरा करी ही माई सरस्वती हमार फिर कुछ गाय के सुनाए दा आखिरी में उहे हाल बाकी प्रभु कि कभौ राम बानी के कि कभौ राम बानी के कभौ श्याम बानी के चलाया प्रभु जी चलाया कि अपने भक्तन के रहिया दिखाए कि अपना भक्तन के रहिया बताए तो कभौ राम बानी के कभौ श्याम बानी के चलाया प्रभु जी चलाया गरीबन के बिगड़ी बनाया तो तुह भूला रहिया देखाया कभो राम बन के हो कभो श्याम बन के चलाया प्रभु जी चलाया बिल्कुल देखिए तो ये अजीत लाल यादव निरहू भैया हैं और ये अपने घर पे हैं और आज हम यहाँ पहुँचे थे और आप लोगों के सौजन्य से जो भी था इनके लिए हमने थोड़ा बहुत मदद किया और आगे जो हो सकेगा हर संभव हम लोग मदद करते रहेंगे हमारी टीम यहाँ पे आती रहेगी हमारे साथ चाहे आदर्श हों चाहे प्रमोद हों चाहे अमित जी हों चाहे मसूद जी हों हम लोग निरंतर यहाँ पे आते रहेंगे और इनके चैनल को भी बढ़ाने में हम लोग इनका पूरा मदद करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत